हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लेनोवो का 30S मॉडल, लेनोवो का लैपटॉप आइडियापैड 30S, ये देखिए फ्लैप ब्रोकन लैपटॉप आया हुआ है। देखिए आगे में बेजल पूरा टूटा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को चेक करना पड़ता है क्या टाइप से टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका पास भी अगर लैपटॉप इस टाइप का है तो लाया लाया आप उठा के देखिए, या आपका पास कोई लैपटॉप आया हुआ है रिपेयर होने के लिए तो इस टाइप से उठाइए ताकि स्क्रीन ना टूटे, ठीक है। और कहाँ कहाँ टूटा ये सारा चेक कर लीजिए, ठीक है। किस साइड से टूटा, और भी साइड से टूटा हो तो, ठीक है ना, सारा चीज चेक कीजिए। उसके बाद फ्लैप उठा के आपको स्क्रीन तो देखने पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस ऐसे तो सारा चारों किनारे देख लीजिए पहले तो, ठीक है। उसके बाद में लाए से फ्लैप उठाने का कोशिश कीजिएगा, बट फ्लैप का एकदम एंडिंग में पकड़ के उठाना आपको हिंज का सामने, ठीक है ना। जैसे मैंने उठाया ये अभी अभी देखिए ये पूरा टूटा हुआ है, हिंज उखड़ के आ गया, मतलब एक साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ओके है। तो देखिए ये पूरा टूटा हुआ है। तो इस टाइप का आपके पास लैपटॉप आएगा, ठीक है ना। ये ऑन करके अभी चेक करेगा हम लोग, इसका स्क्रीन का कंडीशन क्या है ये भी देखना जरूरी है, स्क्रीन का कंडीशन, ठीक है ना। लाइनिंग है या टूटा है, ब्रेकेज है, स्क्रीन भी टूट के आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। नहीं तो लेने का देना पड़ेगा आपको, यूजर ने बोलेगा तो मेरा ओके था स्क्रीन, तो आप क्या करेंगे। इसलिए उठा के आपको ऑन करके उसको चेक करना है, लैपटॉप ऑन होता नहीं होता, क्योंकि गिरा के भी ला सकता है, ठीक है, तोड़ के भी लाता है, गिरा के लाता है, तो ये सब सारा चीज हम लोग को चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी देखिए ये साइड में पूरा बेजल का टूटा हुआ है, और ये देखिए योर बैटरी, ये बैकअप भी नहीं है बैटरी, ठीक है ना। क्योंकि आदमी लोग लैपटॉप अगर खराब होता है ना, बैटरी सेटरी कुछ चार्ज नहीं करता, क्या पूरा खत्म करके लाता है, ठीक है। ऐसा सारा चीज चेक करना हम लोग को पड़ता है। उसके बाद कीबोर्ड भी देखिए 3-4 की नहीं है, ठीक है। तो टच वगैरह भी चेक करना है। तो खराब कंडीशन में आने से सब चीज चेक करने के बाद में आपको ओपन करना है लैपटॉप को, ठीक है ना। ये नहीं है जब लैपटॉप आते ही आपको ओपन करना है और धुमाधुम रिपेयर करना चालू करना है। देखिए आईडिया पे 30S मॉडल है, 15 IK भी है, ठीक है ना, सीरीज। स्क्रू देखिए सारा जंग खाया हुआ है, ठीक है, देखिए सारा जंग खाया हुआ है, मामर पकड़ा है। तो अभी ये सारा स्क्रू खोलना है, ठीक है ना। सारा स्क्रू खोलने के बाद में बैक कवर को निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और स्लिप नहीं करना है, सुंदर से खोलना है। अभी देखिए इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाना है, जितना हो सके अपना फिंगर से निकालना है इसको, ठीक है ना, नाखून से आराम से पकड़ के इसको निकालना है। देखिए निकल गया सुंदर से। तो मेरे पास जितना भी काम आता है ना, सब क्रिटिकल क्रिटिकल आता है, तो ये अभी खोलना है, ठीक है ना। फास्ट क्या खोलना है, बैटरी का खोलना है, ठीक है। बैटरी का अनप्लग कीजिएगा, मेन बैटरी का, क्योंकि मेन बैटरी अगर थोड़ा भी चार्ज है, अगर स्क्रू ड्राइवर कहीं स्क्रू खोलने का टाइम में स्लिप हो गया तो क्या है, मदरबोर्ड डेड होने का कंडीशन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑन करके तो आपने चेक किया, तो आप खुद चेक करने के बाद में भी अगर गलती करेगा तो भरपाई तो करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब ये रैम का कवर है, ठीक है ना, ये बॉडी का रैम है, इसका नीचे इसका कवर है, ये सेफ्टी के लिए दिया है। रैम LVDS केबल, वाईफाई नीचे रहता है तो उसको निकालना जरूरी है। अब वाईफाई का एंटीना केबल निकाल दिया, ये हो गया एंटीना केबल, ठीक है ना, वाईफाई का। ये केबल का विदाउट केबल क्या होता है, आपका हॉटस्पॉट क्या है ना, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सामने में मोबाइल रखेगा तो करेगा, 2 घात 3 घात आपका सिग्नल दिखाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में काम नहीं करेगा। ये ओपन कर दिया, अभी देखिए ये फ्लैप को निकाल दिया। अब इसमें क्या है, फेविको पूरा मार के लाया है, वो खुद एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना। यूजर जिसने लाया वो पूरा एक्सपेरिमेंट है। अब ये चेक करके हम लोग को यूजर को दिखाना है, आपका लैपटॉप देखिए ओके है, बट ये खोलने के टाइम में आपका स्क्रीन टूट भी सकता है, ठीक है, ये चीज हम लोग को कन्फर्म करवाना है। तो यूजर आके बैक साइड में बैठा हुआ है तो वो देख रहा है, बट हम लाइव वीडियो बना रहा है आप लोग के लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि नया नया वीडियो आप तक तो मिलते रहे, ठीक है। अभी देखिए ये पूरा टूट के आया ना, ये हाथ में उखड़ के आया, ये हो गया फाइबर का, ये जो फ्लैप है ना, तो ये फाइबर के ऊपर में प्लास्टिक दे के रख दिया है। अभी इसको चिपकाना बड़ा दिकदार है, ठीक है ना, इसको पेस्टिंग करना बड़ा कठिन है, बट इसको करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करने से तो आपका बेनिफिट होगा, अगर नया लगाने जाएगा तो मोटा मोटी बहुत खर्चा आएगा, तो यूजर लगाएगा नहीं लगाएगा वाला मैटर है, तो अगला का बना देना है, ठीक है ना। इसके तो मोटा मोटे 1000-1200 रुपये तो आपको मिलना ही है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन बच के स्क्रीन को तोड़ना नहीं है, क्योंकि यूजर को दिखा दिया, अब यूजर बोला है बचा के कीजिए, तो बात कर लिया, डेट्रिक्स ले लिया, अगर टूट गया कुछ होगी तो आप जानो, लेकिन खोल दिया, देखिए ये टूट गया, देखिए फ्रंट का, तो बहुत मेहनत से खोला, क्योंकि वो अगला चिपका के लाया था,
ठीक है, बेजल टू पूरा चिपका दिया था, फिर भी लगाया खुद एक्सपेरिमेंट किया था यूजर। तो ऐसा करना नहीं चाहिए कोई भी यूजर को, ना जाने तो जान के करना चाहिए। तो वीडियो को देखिएगा अच्छा से, तब सीखिएगा, जहाँ तक चिपकाना नहीं फिर भी कोई, ठीक है ना। अभी देखिए ये हम सेटिंग करके देख रहा है कैसे बिठाने से हमारा काम होगा, ठीक है। ऐसा सेटिंग करके बिठा के आपको काम करना है। ये सारा स्क्रू देखिए, बड़ा माथा का स्क्रू देख लिया चाटू, वो स्क्रू इसमें बिठाना है, ठीक है। बट पहले तो ये देखिए, अब इसको क्या क्रैश किया, ठीक है, स्क्रैच करना होगा। स्क्रैच करने के बाद में इसमें फेविक्विक लगाना होगा, ठीक है, स्क्रैच करने के बाद में तब जाके उसको चिपकेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेन फाइबर में नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक छोड़ देगा, ठीक है। तो स्क्रैच करने के बाद में फेविक्विक लगा दिया, ये टेक्निक है, ठीक है ना, यही ट्रिक होता है मेन। तो काम करने का ट्रिक एक चाहिए आपका, उतना होने से काफ़ी है, लेकिन चारों तरफ देख के काम करना है आपको। डायरेक्ट खाली फेविक्विक मारने से नहीं होगा, स्क्रीन तरफ जाना नहीं चाहिए फेविक्विक, क्योंकि फेविक्विक गर्म चीज़ है, वो गला देगा, ठीक है ना। अगर पैनल में चला गया तो पैनल खराब हो गया तो स्क्रीन फिर लाइनिंग आने चालू हो जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। पैनल में जाना नहीं चाहिए, स्क्रीन का जो पैनल है उसमें जाना नहीं चाहिए। देखिए पेस्टिंग कर रहे हैं हम अभी, सुंदर से बिठा दिया, और ऊंचा नीचा भी होना नहीं चाहिए, तो हम लेवल में ले जाना है, ठीक है ना। पेस्टिंग करना है तो पूरा लेवल में करना पड़ेगा आपको, और इसको सूखने देना है आधा घंटा जैसे, ठीक है। इसको अच्छा से पकड़ के दबा के रखिए, उसके बाद में छोड़ दीजिएगा आधा घंटा जैसा, ठीक है, सूखने दीजिएगा। उसके बाद में आपको पेस्टिंग फिर फिटिंग करना है, ठीक है। आधा घंटा तक पूरा सुखा के रखिए, उसको सूखने दीजिए। अब सुंदर से हो गया, आपको कोई डाउट लग रहा है तो फिर प्रेसर दीजिए उसको आराम से। अब हो गया, देखिए इसको भी मार दिया, मस्त हो गया। अब मूवमेंट करके देखिए, उठाने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस साइड का तो ओके है, सुंदर है, काम कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वो प्लास दिखाई दे रहा है, प्लास से उसको लूज करना है बोल्टू को, ठीक है ना। उसका घर का जो कब्जा होता है ना, कब्जा टाइप का होता है ये हिंज, तो उसको थोड़ा लूज करना है, जाम होता है इसलिए टूटता है। वो 2 साल 3 साल के बाद में टूटता ही है, क्योंकि स्लिम बॉडी है और प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करके बैठा है, वो फाइबर का ऊपर प्लास्टिक चिपका के रखा है, जाम होने से तो उखड़ के आ जाता है, ठीक है। डेल हो, लनोवो हो, एसआरओ, कोई भी मॉडल हो, स्लिम मॉडल जितना भी है, 2-3 साल के बाद टूटता ही है, उपाय नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाम हो जाता है। तो इसको लूज करना जरूरी है। अगर आपको जाम लग रहा है ना, कोई भी यूजर अगर मेरा वीडियो को देख रहा है, अगर आपको लग रहा है फ्लैप जाम हो रहा है, तो आपको तुरंत शॉप में ले जाना है, या तो खुद ही अच्छा से खोलना है, मैंने जैसे खोला वैसे खोलना है, खोल के प्लास से लूज कर देना है साइड साइड का, ठीक है, बोल्टू को, तो वो थोड़ा लूज हो जाएगा ना, फिर आप आराम से लगाइए, फिर टूटेगा नहीं, जिंदगी भर चलेगा। वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए पूरा वीडियो, आप भी सीख जाएंगे। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में सीख रहा है, अगर टेक्नीशियन बनने खोज रहा है मेरा जैसा, तो आराम से देखिए वीडियो, सीख जाएंगे कैसे पेस्टिंग करना है। एक पेस्टिंग एक लैपटॉप का पेस्टिंग करेंगे, 2-3 घंटा में आपका काम निकल जाएगा, तो 1200-1300 रुपये आपका कमानी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो काम सीखिए, पैसा पहले देखना नहीं है, पहले काम सीखिए, काम सीख जाएंगे तो पैसा आते रहेगा, ठीक है। अभी देखिए डिस्प्ले स्क्रीन बच गया, कुछ नहीं हुआ, देखिए। लेकिन मैंने यूजर से परमिशन लिया था, स्क्रीन अगर टूट गया तो क्या होगा, लगाना पड़ेगा आपको न्यू स्क्रीन। तो अगला ये रेड सेट सब पूछा, तो फाइनल होने के बाद में मैंने ये काम किया, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको भी काम करना है, रिस्क नहीं लेना, 0% रिस्क, अपना जेब से नहीं भरना है। अगला अगर चिपका के लाएगा तो क्या करेगा, अगला फिर लाएगा एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो सारा कुछ फिट हो गया, देखिए डिस्प्ले भी ओके आ गया। अब इसको क्या करेगा, हम लोग टोटली स्क्रू मार के फिटिंग कर देगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि नया नया वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे, ठीक है। और मेरा जितना भी वीडियो है देखते रहिएगा, उसमें बायोस बिना टूल्स से बायोस को पासवर्ड कैसे तोड़ा जाता है वो भी दिखाया है, बायोस का पासवर्ड, ठीक है ना, बिना टूल्स, विदाउट टूल्स, ठीक है। फ्लैश और टूल्स नहीं चाहिए, बिना टूल्स में आपका रिसेट करने से आएगा बायोस का, तो देख लीजिएगा। और बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, जैसे मनी काउंटिंग हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया।